आंधी और बारिश से गंगा में बह गई पीपा पुल। जी हां, 3 लाख आबादी अब नाप के सहार। जी हां, गंगा नदी पर निर्धारित जमींदारी घाट पीपा पुल आज दोपहर हुए तेज आंधी बारिश में बह गई। इसके बहने से राघवपुर जिला मुख्यालय का हाजीपुर से सड़क का संपर्क भंग हो गया। वही तियारे के लोग 3 लाख आबादी के सामने यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई। बता दे कि यहां के लोग के आगमन का एकमात्र सहारा नाप रह गया। अब करीब 6 महीना तक राघवपुर दियारा के लोग गंगा मैया की कृपा पर ही नदी पार करेंगे। वही बड़ी संख्या में पहले से तय शादी विवाह को लेकर लोग चिंतित हैं। शादी विवाह के दौरान मजबूरी में बरातियों समेत तुला दुल्हन को नाव से ही नदी पार लगाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यातायात के एकमात्र साधन नाव होने के कारण इस पर ओवरलोडिंग भी शुरू हो गई, जिससे खतरे का आशंका फिर मंडराने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार निर्धारित समय से करीब 1.5 माह बाद फरवरी में पीपा पुल चालू होने के साथ ही इस पर रुक रुक कर आवागमन बाधित होते रहा। 6 माह तक सेवा प्रदान करने वाली पीपा पुल इस बार मुश्किल से 5 माह ही सेवा दे सका। इधर भाजपा नेता गौतम सिंह ने बताया कि सरकार का 85 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद पीपा पुल सही तरीके से सेवा प्रदान नहीं कर सका। संवेदक ने काफी लेट पीपा पुल लगाया और जैसे तैसे अप्रोच रोड बनाया गया। वही विभागीय आदेश था कि 15 जून के बाद पीपा पुल खोलकर हटा लिया जाए। हालांकि गंगा नदी में पानी कम होने के कारण पीपा पुल को नहीं खोला गया था। अभी गंगा नदी में पानी कम है, इससे बड़ी नाव चलने में भी काफी दिक्कत होगी।